के लिए जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को बीट करना, बांग्लादेश को बीट करना, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया को बीट करना ऐसा है जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप ले लिया। मतलब कि एक चीज़ है, स्पिरिट है उनके अंदर कि वो अपने मुल्क को जिताना चाहते हैं और वो बड़े डट के मुकाबला कर रहे हैं। युवा होता है हर मैच में, युवा होता है, कौन सा मैच में जिसमें युवा नहीं हुआ अभी तक? इंडिया ना जीते, इंडिया ना जीते। हाँ। से इंग्लैंड को सपोर्ट करूंगी। क्यों? मेरे एक्चुअली मामू वहाँ पे रहते हैं तो वो पाकिस्तानी ना। हाँ, बट रहते तो उधर है ना। हम नहीं हरा पाते इंडिया को तो अब उनके थ्रू ही हराएंगे। अच्छा, हम नहीं हरा पाते तो कोई तो हरा दे, ये हिसाब है आई गेस। सो दोस्तों, सुबह के टाइम में जो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच में सेमीफाइनल का मैच था वो अफगानिस्तान हार गया। इसी के साथ दोस्तों अफगानियों के दिल भी टूट गया यार, क्योंकि वो बहुत उम्मीदों के साथ बैठे थे कि भाई इस बार जो है अफगानिस्तान फाइनल में जाएगा और हो सकता है कप भी लेकर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पाकिस्तानी होते हैं, उनका माइंडसेट ऐसा है कि उन्हें घुमा फिराकर भाई इंडिया को ही टारगेट करना है। अब जो पाकिस्तानी है उनका कहना है कि भाई जो अफगानिस्तान हारा है, क्योंकि अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा था, वो इंडिया ने मतलब पीछे से ऐसा कुछ कर दिया, फिक्स कर दिया कि भाई अफगानिस्तान हारना चाहिए कि फाइनल में दोनों की टक्कर ना हो जाए। अब ये दोस्तों पाकिस्तानियों की सोच है, जो दोस्तों खुद कुछ मेहनत करते नहीं है। अब साउथ अफ्रीका भी, उसने भी मेहनत की होगी, अफगानिस्तान वाली जो टीम है उसने भी मेहनत की होगी, हारना जीतना तो लगा ही रहता है, तो भाई एक टीम को तो हारना ही था, तो अफगानिस्तान हार गई। लेकिन पाकिस्तानियों के रिएक्शन आप खुद सुनिए और फिर कमेंट करके बताइए कि भाई इन को यार घुमा फिराकर टारगेट क्यों करना रहता है इंडिया को। हाँ। टीम में गुड टीम स्पिरिट है, उनमें कोई ऐसी जैसे हमारे ग्रुप बने हुए हैं पाकिस्तानी टीम्स के, उनमें ऐसा कोई ग्रुप बंदी नहीं है, तो इसलिए मैं वो ठीक है, बेटर चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए वो ऊपर से ऊपर आ रहे हैं। तो एक्चुअली इन लोगों से हम लोगों को भी सबक सीखना चाहिए। अफगानिस्तान पहले सुपर 8 में आया, अब सेमीफाइनल्स में है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अफगानिस्तान ने धूल चटा दी, बांग्लादेश को नॉकआउट कर दिया वर्ल्ड कप से, क्या कहते हैं आप? उनके पीछे हाथ किसका है? देखिए जी, ये उनकी मेहनत है, वो मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैंने पहले बात आपको की है टीम स्पिरिट की, उनमें बहुत ज़्यादा आपस में इतफाक है, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो और ऊपर चले जाए, जो मेहनत करेगा वही ऊपर आएगा। सर, उनको ट्रेन कौन कर रहा है? हम देखते हैं कि उनकी इरफान पठान से भी अच्छे ताल्लुकात है, सचिन तेंदुलकर भी उनसे मिलने जाते हैं, फिर वो अपनी जीत का क्रेडिट इंडियन टीम को भी दे देते हैं, क्या कहते हैं आप? देखिए जी, ये तो उनके दिल के ऊपर डिपेंड करता है ना, जितनी हम लोगों ने उनको सपोर्ट की है ना, वो हम लोगों को उतनी सपोर्ट नहीं करते। की बात कर रही हूं, क्रिकेट की बात ही कर रहा हूं। देखिए, हम लोग ही उनको लेके आने वाले हैं, वो फिर भी हम लोगों को अपना मुखालिफ समझते हैं, जैसे वो हम लोगों के साथ शूटिंग करते हैं वैसे वो इंडिया के साथ शूटिंग नहीं करते, इसलिए वो सारे उन लोगों के पास जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं मेन क्रेडिट दूंगा कि उनकी टीम स्पिरिट को, कि उनमें ग्रुप बंदी नहीं है, वो मेहनत कर रहे हैं और इसलिए ऊपर आ रहे हैं। वो काफ़ी फॉर्म है, बिल्कुल अच्छी बात है ये, उसने बांग्लादेश को भी शिकस्त दिया है तो अब भी इंशाल्लाह सही है, लेकिन ज़्यादा मेरी नज़र में वो ही जीतेगा जो ज़्यादा परफॉर्म करेगा, जीत और उसकी होती है जो ज़्यादा परफॉर्म करता है। जी, आपकी नज़र में इस वक्त उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को हराया है, इसके पीछे हाथ किसका है? ये मुझे नहीं पता, इरफान पठान, इंडियन कोचिंग, इंडियन टीम की मोटिवेशन, या क्या कहते हो आप? मैं कहता हूँ कि जो मेहनत करता वो ही हमेशा जीतता है। इसके पीछे हाथ पता नहीं अब किसका, ये मुझे नहीं कंफर्म है, लेकिन जो मेहनत करता है उसकी जीत होती है। अफगानिस्तान की टीम की कप्तानी के बारे में क्या कहोगे? अफगानिस्तान की टीम की कप्तानी वो बहुत अच्छी है, जो जब मोहम्मद नबी थे तो तब भी सही था, लेकिन अब राशिद खान आ गए तो वो तो काफ़ी अच्छी है कप्तानी उनकी, और इस कप्तानी की वजह से वो मैच जीत रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस जा रही है, इस हवाले से तो सही जा रहा है। आप अफगानिस्तान को फाइनल्स में किसके साथ देखना चाहते हो? मैं कहता हूँ कि इंडिया और अफगानिस्तान का मुकाबला, अगर जीते तो वो फिर सही हो जाएगा, अगर ना जीते तो फिर इंडिया को फाइनल में इंशाल्लाह हम देखना चाहते हैं। इंडिया को फाइनल्स में देखना चाहते हो जी? और अगर अफगानिस्तान और इंडिया आमने सामने हुए फाइनल मैच में, फिर किसको देखना चाहते जीते? फिर इंशाल्लाह अफगानिस्तान जीतेगा, जो भी इंडिया को हराना फाइनल, फिर इंडिया को हरा दे अफगानिस्तान जीत जाए। अफगानिस्तान तो प्रेशर ही बड़ा लेता है इंडिया का। जी जी, इंडियन टीम का वो कहते हैं विराट कोहली के आगे खेल नहीं सकते हम। जी, वो एक अलग बात है प्रेशर की, लेकिन कोई किसी से नहीं डरता, लेकिन अल्लाह की ज़ात है इज्जत देने वाली। अफगानिस्तान की टीम कहाँ से आपको वीक लग रही है? अब भी उनके प्लेयर्स इतने एनर्जेटिक हैं, इतने डिटर्मिनेशन है उनके अंदर, इतनी बड़ी बड़ी टीम्स को वो हरा रहे हैं, इसके पीछे आपको हाथ किसका लगता है? नवीन उल हक अच्छा खेल रहे हैं, तंजीम राशिद खान सब अच्छा खेल रहे हैं, सब लोगों क्या हमें एक गोल नज़र आ रहा है, तो इसके पीछे आपको किसका हाथ लग रहा है? वो अपनी जीत का क्रेडिट हमेशा दे देते हैं इंडियन टीम को। नहीं, मेरे ख्याल में जो क्रेडिट है वो इंडियन टीम्स को तो नहीं जाएगा, जैसा कि अभी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, एक्टिव हैं,
जब इंसान कोई एक छोटे लेवल पे एक बड़ी चीज़ को अचीव कर लेता है, उनके लिए जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को बीट करना, बांग्लादेश को बीट करना, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया को बीट करना ऐसा है जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप ले लिया। तो मेरे ख्याल में यही चीज़ है जो उनको एनर्जी दे रही है, उनको एक्टिव कर रही है कि हम ये भी जीत जाएंगे। तो इनके पीछे बेसिकली उनकी अपनी टीम वर्क है, उनका एक अपना एफर्ट है और उनकी एक एनर्जी है जो उनको बूस्ट अप कर रही है। इसलिए जुआ लगा होता है वहाँ मैचों में, हर मैच पे जुआ होता है। आप ये ना कहीं ये गलत कह रहा हूँ, हर मैच पे जुआ होता है, जिस पे जुआ होता है हर जगह। यहाँ खड़े नहीं कर रही मैं, वो जहाँ भी बात करें किसी मुल्क में भी मैच हो तो जुआ होता है मैच के ऊपर। आज क्या रेट किया है, 95 पैसे रेट है, ये 65 पैसे रेट है, 75 पैसे कौन सा रेट है? मैं तो क्रिकेट की बात कर रही हूँ, हमारे से ज्यादा आपको पता होता जो सवाल मेरे से तो पूछ रही। मैं तो क्रिकेट की बात कर रही हूँ, क्रिकेट की बात ही कर रहा हूँ मैं, अब मैं किसी और मैच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अफगानिस्तान ने जुआ लगाया क्या? सारा हर मैच में जुआ होता है, खिलाड़ी वहाँ जुए जुआरी वहाँ बैठे रहते हैं। अफगानिस्तान तो मेहनत से आ गया है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया अफगानिस्तान ने। 3 दफा दुबई से होके हैं, या जुए से बगैर काम ही कोई नहीं होता, जुआ होता है। आप मीडिया वाले समझते नहीं है, जो सवाल हमारे से पूछ जो हम बताते हैं वो उस पर नहीं मानते। अब आप जो कहती मैं वो मान लेता हूँ फिर। ठीक है, नहीं ठीक है, चले वो आपकी राय है। पाकिस्तान तो बाहर चला गया तो फिर अब किसी को भी नहीं। चलो कोई स्पोर्ट्समैन में स्पिरिट का मुजाहिरा करो, किसी एक ने तो जीतना, सेमीफाइनल का मैच है तो किसको सपोर्ट करोगे? इंग्लैंड। इंग्लैंड को क्यों? बस वैसे ही, कोई रीजन हो, इंडिया ना जीते, इंडिया ना जीते। इंडियन टीम बुरा खेलती है ये क्या मसला है? बस वैसे ही, मतलब पाकिस्तान इंडिया के जो मसले हैं उसकी वजह से इंडिया ना जीते। तो क्रिकेट में थोड़ी है। हाँ वैसे बस ऐसे ही, बस ऐसे ही, फिर भी क्रिकेट में वो ना जीनी है ना। पाकिस्तान ही इस वजह से। पाकिस्तान के अंदर उनके खिलाड़ियों के काफी फैंस मौजूद हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन मैं नहीं हूँ। लेकिन आप नहीं हो, आप पक्की पैट्रियट हो कह सकते हैं। आप क्या कहते हो? मैं वैसे इंग्लैंड को सपोर्ट करूंगी। क्यों? मेरे एक्चुअली मामू वहाँ पे रहते हैं, तो वो पाकिस्तानी ना। हाँ बट रहते तो उधर है ना, अब तो फिर मैंने उसी को सपोर्ट करना है। तो अच्छा, अगर इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच हो तो वो स्टिल इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे या पाकिस्तान को? वो फिर इंग्लैंड को करेंगे। अच्छा। फिर हम होंगे जो पाकिस्तान को करेंगे। अच्छा, तो अभी आप इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हो? यप। जैसे आपको उनकी क्रिकेट टीम के बारे में कोई नॉलेज है? नहीं है, लेकिन मामू वहाँ रहते हैं, हम इंग्लैंड को ही सपोर्ट करेंगे, है ना? ऐसी बात है। इंडियन टीम के अंदर आपको क्या खराबी नजर आती है? नहीं नहीं, माशाल्लाह देयर आल्सो वेरी गुड, ऐसा कुछ भी नहीं है जिनमें खराब हो। वैसे अभी तक उन्होंने एक भी मैच हारा नहीं है। यस राइट, ऐसा ही है। ऐसा ही है, तो फिर क्यों कह रहे हो कि इंग्लैंड जीते? फिर अगर वो अच्छी टीम होगी तो वो जीत जाएंगे obviously। अच्छा खेले वो जीत गए तो बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा या कुछ भी नहीं लगेगा? नहीं कुछ भी नहीं लगेगा। अगर वो जीती है तो हमें अच्छा लगेगा। अच्छा आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं इंडिया को करूंगा, अगर इंडिया पाकिस्तान को होगा तो फिर पाकिस्तान को करूंगा। लेकिन अगर किसी और कंट्री के साथ होगा तो आप इंडियन टीम को सपोर्ट करेंगे? हाँ हमारे पड़ोसी हैं, नहीं करूँ। आपकी मर्जी है, आपकी राय है, लेकिन इंडियन टीम के खिलाड़ियों का पता है आपको? इंडियन टीम के खिलाड़ी जितने भी हों, एक सेकंड ना मेरी बात कम क्लियर हो ना, वो कौन से 50 होंगे? वो होंगे 150-200 खिलाड़ी, क्योंकि बाकी तो अंदर बैठे होंगे ना वाम में। अच्छा। होते तो वही है ना, ज़्यादा तो नहीं होते ना। चाहे खिलाड़ी 11 हो, चाहे 12 हो, चाहे 15 हो, बात मैं कर रहा हूँ कि वो पड़ोसी कंट्री है, हमारी सपोर्ट उनको है। अच्छा। हाँ आप खिलाड़ी गिनने लग गए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ हमने गेम देखनी है, खिलाड़ियों की गिनती नहीं। गेम में आप खिलाड़ियों को ही देखेंगे ना, खिलाड़ी नहीं होंगे तो गेम कहाँ से देखेंगे? हम टीवी पे देखेंगे। टीवी पे देखेंगे तो उसमें भी खिलाड़ी ही आ रहे होंगे ना। अच्छा चलें, आप अच्छा मुझे बताएं कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो टफ टाइम देगा इंग्लैंड को? कोई भी नहीं। अभी आपने बोला है कि इंडिया जीत जाएगा। आप गेम को आप देखें, आप जिन जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना वो मेरी नज़र में उसका कोई अहमियत नहीं है। जब आप गेम खेलने जाते हैं ना, जब मुकाबला होता है तो दोनों में से एक जरूर जीतता है। आपने पूछा सपोर्ट किसको कर रहे हैं, मैंने कहा इंडिया को। मैंने अगर आप टफ टाइम की बात करें तो वो भी खेलने आ रहे हैं, वो वहाँ पर वो देखने नहीं आ रहे हैं ना, दोनों टीम्स खेलने आ रही है ना। अच्छा मुझे ये बताएगा आपको क्या लगता है कि फाइनल मैच इंडिया को किस टीम के अगेंस्ट खेलना चाहिए जो फाइनल होगा? और अगर फाइनल में इंडिया ना हुआ तो ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी आपकी राय है। बात ये है कि अगर हम एज ए पाकिस्तानी, हमें जिस चीज़ का ज़्यादा मज़ा आता है वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का ही है, ठीक है ना? रेटिंग भी उसी की सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि जब हम टीवी को देखते हैं ना तो पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान जीता है तो वेल एंड गुड, अगर हार गया तो टीवी यहाँ पे भी टूटते हैं, टीवी वहाँ पर भी टूटते हैं। अच्छा।
ठीक है ना। तो रेटिंग की बात की जाए तो मैं ही तो यही चाहूँगा कि हमारा अपनी कंट्री फिर से दोनों खेलें, हम इन्जॉय करें। फिर से दोनों खेले तो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि हम वर्ल्ड कप से आउट है। बहरहाल आपकी राय तो आउट है, लेकिन अगर आप करें तो मैं फिर भी कहूँगा कि इंग्लैंड ही खेले फिर इसके साथ। तो आपने दोस्तों पाकिस्तानियों के जो ओपिनियन है वो तो जान ही लिए हैं, आप लोग अपने ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप सभी के कमेंट पढ़े जाएंगे, रिप्लाई भी किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।